संडे, इसलिए आज मेरे हस्बैंड घर पे ही है, तो वो आज मेरी थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं कुकिंग में। तो वो उन्होंने मटन वगैरह थोड़ा सा साफ कर लिया है अच्छे से, और अभी मैं मटन बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और ये देखिए, इस तरह से मटन के पीसेस अच्छे से साफ हो गए हैं। तो कुकर मैंने गैस पे लगा दिया है, और अभी मैंने इसमें थोड़ा सा तेल डाला है, और अभी मैं ये सारा मटन इसमें डाल दूँगी। तो अब मैं थोड़ा सा नमक इसमें डाल रही हूँ, करीब करीब 1.5 चम्मच, और थोड़ी सी हल्दी भी डाल लेती हूँ। उबालते वक्त ही हम इसमें हल्दी और नमक डाल लेते हैं। और अब हम इसको करीब करीब 3 से 4 सीटी होने तक पका लें। तो अभी मसाला, मैं पूरा मसाला अभी भूनने वाली हूँ। तो मैंने क्या क्या लिया है मैं आप सभी को बता देती हूँ। ये है दगड़ फूल, इसको छड़ीला भी बोलते हैं, और ये है तेज़पत्ता, ये है बड़ी इलायची, और ये छोटी इलायची, और ये है कलमी, और कुछ मैंने काली मिर्च लिए है, और कुछ लौंग भी लिए है, और ये है शाहजीरा, और ये है खसखस, और थोड़ा सा धनिया के बीज लिए है, और ये मैंने लिया है बारीक किया हुआ कोकोनट। अभी ये मैंने कटा हुआ प्याज लिया है, उसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। लहसुन और अदरक, इसको हमको बारीक करना है, अच्छे से पेस्ट बनाना है। और ये टमाटर लिया है एक, और थोड़ा सा धनिया लिया है, इसको भी बारीक कर लेना है। तो इस तरह से मैंने सभी मसाले अभी बारीक कर लिए हैं। ये देखिए, ये सभी मसाले, ये अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह सब बारीक कर लिया है, टमाटर और धनिया का पेस्ट भी बारीक कर लिया है। अभी तेल गरम हो चुका है, तो हम अब इसमें सब मसाले डाल लेते हैं। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को अच्छी तरह से भून लेना है। पाँच मिनट तक हम इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। ऐड कर लेते हैं, हल्दी डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, और अभी करीब करीब मैं 2 चम्मच, या फिर आप अपने स्वाद अनुसार लाल मिर्च का पाउडर डालें। नमक डाल रही हूँ मैं, नमक का ख्याल रखें, क्योंकि हमने मटन पकाते वक्त भी उसमें डाला था। अब इसे भी हमें अच्छी तरह से भून लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और धनिया का पेस्ट। तो हमारा मसाला अब बहुत अच्छी तरह से भून गया है, और इसे तेल भी छूटने लगा है। तो हम अभी इसमें डाल देते हैं हमारा मटन। अभी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और आपको जितना पतला चाहिए उस हिसाब से आप पानी डालें इसमें। तो इस प्रकार से हमारा मटन रेडी हो गया है। अब हमें इसको अच्छी तरह से 2-3 उबाल लाने तक हमें ढक के रख देना है, और फिर हमारी मटन की डिश तैयार है खाने के लिए।
देखिए अब इतने अच्छे से इसमें उबाल आ गया है, तो अब हमारा मटन लगभग रेडी हो गया है। और गार्निशिंग के लिए आप इसमें बारीक कटा हुआ धनिया भी डाल सकते हैं ऊपर से। तो इस तरह से आज संडे स्पेशल में हमारे यहाँ है महाराष्ट्रियन मटन और चावल, और इसको बोलते हैं मांडे, और शायद हिंदी में इसको लंबी रोटी भी बोलते हैं। तो इसका और मटन की सब्ज़ी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा और टेस्टी लगता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो खाना वगैरह सब बन गया है मेरा, और अभी ये बर्तन पड़े हैं तो उसे भी मैं क्लीन कर लूँगी। तो अभी मैं ये सब क्लीन कर लेती हूँ, गैस काउंटर टॉप सब। देखो इस तरह से आज के मेरे सभी काम हो गए हैं, बर्तन भी अच्छे से धुल गए हैं, और पूरा क्लीन करने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है।